आज मेरे पास एक्चुअली खेलने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गेम को एक बार खेला जाए। मैंने इस गेम को एंड्रॉयड में आधा खेला था पर कभी ख़त्म नहीं किया। मैंने पीसी में इस गेम को पूरा खेला था। इस गेम का नाम है स्केलरोसिस द डार्क डिसेंट या फिर एमनीसिया द डार्क डिसेंट, कुछ भी कह सकते हो। तो अभी हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं न्यू गेम से स्टार्ट। तो ये गेम ओरिजिनली लॉन्च हुआ था 2010 में पीसी में और ये 12 साल बाद हम लोग इसे खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स मोबाइल में कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ जो कि पूरा फ्री था। ठीक है, हम लोग इन डेवलपर्स ने बड़ा अच्छा काम किया इस गेम को लॉन्च करने में। तो अभी हमारा गेम लोडिंग हो रहा है। इस गेम में एक ट्रू हॉरर एक्सपीरियंस है। लेट्स सी, अगर आपको इस गेम के ऊपर और वीडियोस देखने हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने का। Shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. Mayfair. What have I done? This is crazy. जहाँ से हमारी क्वीन भी है। Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. ये एक starting है एक popular game का। देखो बस। I am Daniel. ऑल राइट, तो हमारा गेम का स्टार्टिंग ऐसा हो रहा है, कोई क्लू नहीं हम लोग कहाँ पर है, कैसे इस गेम को खेल रहे हैं, और इसका कोई प्रीक्वल भी नहीं था, तो मतलब ये स्टार्टिंग था। एक प्लेयर को कैसे मैनेज किया जाता है इस गेम से कुछ सीखना चाहिए ग्रैनी के डेवलपर्स को। ऑल राइट, मैं ग्रैनी को कंपेयर भी क्यों कर रहा हूँ। ग्रैनी को इस गेम से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। एक्चुअली हम लोग एक कैसल में जा रहे हैं। इस कैसल का नाम है बेनबर्ग कैसल। हम लोग अभी 182 या 9 समथिंग लाइक दैट ईयर में है, बहुत पास्ट में है हम लोग। मेरे कैरेक्टर को खुद का नाम भी ठीक से नहीं पता। एक अननोन कैसल, ठीक है मुझे पता है कंट्रोल कैसे करना है। मैं जो कह रहा था, गेम का स्टार्टिंग देखो, एक इतने बड़े अननोन कैसल में जहाँ पर हवा का साउंड आ रहा है। बस हमें नहीं पता हम लोग क्या करने आए हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर आ गए, पर हम लोग बस आ गए यहाँ पर। अब बस हमें जानना पड़ेगा, निकलना भी पड़ेगा इस जगह से। यहाँ पर बस हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है कैसे इस गेम को खेलना पड़ेगा। हम लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं आई गेस। मैं जो कह रहा था, इसे कहते हैं प्रॉपर हॉरर एक्सपीरियंस। जब हम लोगों को नहीं पता हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया हमारे पास बहुत बड़ा है। हम लोग डूम स्लेयर नहीं है कि हम लोग दुनिया में आएंगे और सबको डरा के भगा देंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, अननोन क्रिएचर्स मिस्ट्रीज, पता नहीं हम लोगों का अपना नाम ही नहीं पता। डैनियल कह रहा था ये। यहाँ पर हमें जो है ऑयल मिल चुका है, टिंडर बॉक्स। Tinder boxes are used to light candles and other light source in the environment. The current number of tinder boxes is shown in inventory. हाँ मुझे पता है कैसे इन्वेंट्री को भी ओपन करना पड़ेगा, जिससे इस टिंडर बॉक्स से जो है हम लोग किसी लाइट को चला सकते हैं, जो कि लाइट मतलब जो ये जो होते हैं ना दीवार पे जलने वाले टॉर्चेस, उन्हें क्या कहते हैं मैं हिंदी में भूल गया, नेवर माइंड। अब हम लोग जो है सामने चल के देखते हैं, इस जगह से हमें निकलना पड़ेगा। ये एक लंबा गेम है एक्चुअली, समथिंग अराउंड 10 आवर्स आई गेस, आई डोंट नो। मैंने इस गेम को कभी एंड्रॉयड में फिनिश नहीं किया क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय हो गया था या ख़राब हो गया था इस गेम को खेलते हुए, और बहुत मुश्किल से मैंने इस गेम को खेला था। बहुत मुश्किल है इस गेम के पजल्स को समझना एक्चुअली। देन मैंने इस गेम को पीसी में खेला था और उसे फिनिश भी किया था। सब कुछ सेम है एक्सपीरियंस। हम लोग एक कैसल में आ चुके हैं जहाँ पर हवा के अलावा और कोई साउंड नहीं, कोई हमारे पीछे नहीं है। देखो बस इस गेम के एनवायरनमेंट को। ऑल राइट, यहाँ पर तो देखने के लिए कुछ है नहीं, एक क्लासिक हॉरर एक्सपीरियंस है, बस एक वॉकिंग सिम्युलेटर से ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग अपने ये देखो, हम लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं, जब हम लोग डरते हैं तब ऐसा होता है। यहाँ पर कुछ स्टैचूज भी है या फिर आर्मर्स है जो कि हमें डरा रहे हैं एक्चुअली। हम लोग इनके हेड को फेंक सकते हैं ऐसे, पर हम लोग करेंगे नहीं ऐसा, छोड़ो। हमें बस चलते रहना पड़ेगा, हम लोग एक आंसर की तलाश में आए हैं। ओ माय गॉड, कौन है? हम लोग बस डर रहे हैं इस जगह से। अगर हमारा सैनिटी कम हो जाता है तो ऐसा होता है कभी कभी। हमारे पास इन्वेंट्री भी है, ये है हमारा हार्ट, ऑल इज गुड। ये है हमारा सैनिटी, क्रिस्टल क्लियर। अगर हमारा सैनिटी डिक्रीज होता है तो हम लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं या फिर हम लोग चक्कर खाने लग जाते हैं कह सकते हो। इस दरवाजे को हम लोग खोलते हैं एक बार, क्या हम लोग इसे खोल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो हमें पीछे लौटना पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पर एक और दरवाज़ा था जो खुल गया था, इसलिए हम लोग हेलुसिनेट कर रहे थे। ओ माई गॉड, ये दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। ये पर जंप स्केयर नाम का कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, पर हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है। कोई भी हो सकता है कभी भी। ये 1815 या समथिंग उस साल का ही कैसल है, मतलब 200 साल पहले। तब कुछ नहीं था हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए, गन तो दूर की बात, एक नाइफ भी नहीं है हमारे पास। ये इन टाइप के गेम्स में हमें जो है बचना पड़ता है, छुपना पड़ता है, फाइट नहीं करना पड़ता। यह पर दुनिया हमारे पास बहुत बड़ा है, हम लोग कोई मॉन्स्टर नहीं है, दुनिया हमारे सामने एक मॉन्स्टर है।
ऑल राइट, अब हम लोग इस जगह से निकलते हैं। यहाँ पर तो हमें खास कुछ मिला नहीं, एक टिंडर बॉक्स मिल गया जिससे हम लोग कैंडल्स को चला सकते हैं, जिससे हम लोग अंधेरे में ना खो जाए। बस हमें अंधेरे को अवॉइड करना पड़ता है इस गेम में। ऑल राइट, इसके अंदर एक और टिंडर बॉक्स है और एक ड्रेस मिडिवल एज का, मिडिवल नहीं, हम लोग लगभग करंट एज में आ चुके हैं, 18th century। हम लोग एक ब्रिटिश है जो कि मेफियर में रहते थे आई गेस। हम लोग मतलब इस गेम की स्टोरी को मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, मुझे पता है इस गेम की स्टोरी में क्या चल रहा है, पर मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहता। ये गेम कम्प्लीटली फ्री है, ये सोच के कितना अजीब लगता है। पीसी में अभी भी ये गेम पेड है एक्चुअली। बस एक अजीब सा साउंड आ रहा है, इन फिंगरप्रिंट्स को या फुटप्रिंट्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं सामने जाने के लिए। कोई लाइट का सोर्स हमारे पास नहीं है, भागते हैं इस जगह से। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। मैं एक्चुअली इस गेम को भूल चुका हूँ, मुझे पूरा क्रिस्टल क्लियर, हम लोग हैलुसिनेट कर रहे हैं डर से। मुझे एक्चुअली इस गेम का स्टोरी पूरा क्रिस्टल क्लियर याद नहीं, कहाँ पर क्या होता है। मैं बस अभी फिर से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस गेम को, जो कि एक्चुअली अमेजिंग है। दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं बिना किसी रीजन से। एक कैसल के अंदर बस हवा चल रहा है, हवा के साउंड के अलावा और कुछ है नहीं। दरवाज़ा और हवा का साउंड मिला के एक अनप्लेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, लाइट ऑफ हो गया। बीवेयर व्हेन स्टैंडिंग इन डार्कनेस, योर सैनिटी विल स्लोली ड्रेन। टर्न ऑन लाइट्स इन द एनवायरनमेंट यूजिंग टिंडर बॉक्सेस, सर्च फॉर अदर लाइट सोर्स। ठीक है, यहाँ पर कोई लाइट चलाने के लिए कुछ है? हाँ, ये रहा, हम लोग इसे चला सकते हैं आई गेस, या फिर नहीं। ठीक है, ये पर इसे जला देते हैं। कैंडल्स को जलाने से हमारा सैनिटी वापस ठीक हो जाएगा, पर स्लाइट हेडेक, हमारी सैनिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो चुका है। ये कभी ठीक नहीं होगा जब तक हम लोग एक पजल को सॉल्व नहीं करते। पजल को सॉल्व करने के बाद हम लोग अच्छा फील करते हैं, देन हमारा ये सैनिटी वापस से ठीक हो जाएगा। हम लोगों को ट्राई करना पड़ेगा जितना हो सके उतना कम सैनिटी को डिक्रीज करने का। सैनिटी जितना डिक्रीज होगा हमारा ग्राफिक्स भी उतना ख़राब होते जाएंगे, मतलब हम लोग देखने में गलती करेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक ड्रेस है। एक कैसल से अच्छे डरावना जगह क्या हो सकता है एक गेम को स्टार्ट करने के लिए। और ये एक बहुत ही बड़ा कैसल है एक्चुअली, देखने में ऐसा लग रहा है, पर हम लोग एक्सप्लोर करते हुए थक जाएंगे इस कैसल को, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। ओल्ड आर्काइव्स, लेट्स एंटर दिस। डेली प्ले टाइम इज लिमिट इन 20 minutes, यू कैन रिमूव दैट लिमिट बाई मेकिंग वॉलेंट्री डोनेशन। ऐसा पहले नहीं था, हम लोग बस 20 मिनट तक खेल सकते हैं। आर यू सीरियस, इन लोगों ने डोनेशन के लिए ऐसा किया है? ऑफकोर्स इस गेम को बस 50,000 या इस गेम में बस 50,000 या सम डाउनलोड्स है। मिस्टर मीट 2 में जैसे कि 1 million प्लस डाउनलोड्स है, इसमें ऐसा है नहीं। फिर भी कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगा। ओ माई गॉड, विटनेसिंग अनसेटलिंग इवेंट्स विल रिड्यूस योर सैनिटी, इट कैन बी इंक्रीज बाई कम्प्लीटिंग पजल्स एंड मेकिंग प्रोग्रेस। ऐसी चीज़ों को देखने पर हमारी सैनिटी और भी डिक्रीज हो जाता है। हमें एक लाइट को चलाना पड़ेगा जल्दी से ताकि हम लोग अपने सैनिटी को हील कर सके। एक पजल को सॉल्व करने से भी हमारा सैनिटी ठीक हो जाएगा। हम लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं देखना जो कि नहीं हो सकता, मतलब आप घर में चल रहे हैं, आपके सामने दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है तो आपका सैनिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही सेम चीज़ है, पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोगों को टिंडर बॉक्स मिल चुके हैं, ये पर बहुत सारे कॉकरोचेस है जो कि 18th century के कॉकरोचेस, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए हमें। ये जहरीले कॉकरोचेस भी हो सकते हैं, तो हम लोग सामने चलते हैं बस। ये पर लाइट है, लाइट में सैनिटी थोड़ा सा कम, तो लाइट में सैनिटी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। हमारा सैनिटी अभी किस स्टेट में है? हेड इज़ पाउंडिंग एंड हैंड्स शेकिंग, हमारा सैनिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इस बात का हमें अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। लेट्स सी 20 मिनट प्ले थ्रू में हम लोग क्या कर सकते हैं। व्हाट द हेल, ओके, बस एक भूकंप टाइप का कुछ आ रहा है। इस भूकंप का एक रीज़न है, मैं बाद में बताऊंगा। एक्चुअली मैं इस गेम को पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर कुछ लोग कहेंगे कि ऑफकोर्स कहेंगे। मुझे लैंटर्न मिल चुका है, नाइस। व्हेन लैंटर्न फेल टू इट ऑयल टिल्ट योर फोन क्विकली, हाँ ऐसे, जिससे हम लोग लैंटर्न को चला सकते हैं। ये गेम का मेन ऐसा है, तो एक सेकेंड में अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा ठीक करता हूं। हमें लैंटर्न मिला है क्या? लेट्स चेक। हाँ, हमें लैंटर्न मिला है जिसमें आधा ऑयल है। ठीक है, हम लोग ऑयल को फिल कर सकते हैं, हमें ऑयल मिल जाएगा।
यह पर देखने के लिए खास कुछ है नहीं, हमें ये लैंडन चाहिए था, ये हमारे पूरे गेम में हेल्प करेगा। आउटलास्ट में जैसे कैमरा था, इस गेम में एक लैंडन था। इस गेम को इन लोगों ने सोचा नहीं था इतना डरावना बना पाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली बन गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। यह पर एक और दरवाज़ा है जो कि शायद लॉक्ड है या नहीं, खुला हुआ है। हम लोग सामने चलते हैं। मैं क्यों लैंडन को यूज़ नहीं कर पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं अपने फ़ोन को सेक कर रहा हूँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। शायद मेरे गायरोस्कोप का सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम है, आई डोंट नो। हम लोग लाइट में जितनी देर तक खड़े रहेंगे हम लोग सेफ रहेंगे। इस आर्टक्वेक का एक रीज़न है, मैं बताना चाहता हूँ पर मैं बताने से गेम को स्पॉइल कर दूंगा। ये सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है इस गेम का। प्लॉट ट्विस्ट नहीं, बस एक स्टोरी का पार्ट है इस गेम में। हम लोगों को एक शैडो फॉलो कर रहा है, जो कि हम लोग बेसिकली पर्सिया में हैं, जो कि आज ईरान में है, पर पहले ऐसा नहीं था, ये पर्सिया अलग था। हम लोग गए थे पिरामिड्स के अंदर, ऑफकोर्स ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स, और देखते सामने एक लेटर है, मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर हमें ऑयल मिल चुका है, हम लोग ऑयल को ले लेते हैं। एंड देन हम लोग द लैंटिन ड्रेन्स ऑयल व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन, टू ऐड मोर ऑयल टू द लैंटिन डबल क्लिक ऑन द ऑयल इन द इन्वेंट्री। ओके, लेट्स सी, इन्वेंट्री को ओपन करते हैं, डबल क्लिक ऑन द लैंटिन। अब हम लोग शायद लैंटिन को चला सकेंगे। मेरे फ़ोन का गायरोस्कोप बड़ा ख़राब है, मुझे पता चला अभी। एक सेकेंड, लेट मी इंक्रीज द सेंसिटिविटी। फुल सेंसिटिविटी भी है, हाँ ठीक है। अब हम लोग जो है लैंडन को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर एक नेटर है। डैनियल, I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. Daniel, note to self. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours, young. ये बस हमारा पॉइंट है इस गेम का। And strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. हाँ. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Daniel. तो ये है इस गेम का मेन स्टोरी, जहाँ तक हमें पता चला। डैनियल खुद को एक लेटर लिख के कह रहा है कि हमें अलेक्जेंडर को मारना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मारना पड़ेगा, उसका कोई क्लू नहीं है, पर किसी एक रीज़न की वजह से, क्योंकि हमें याद नहीं क्या हो रहा है इस गेम में। हम लोगों ने किसी एक रीज़न की वजह से एमनीसिया का पिल लिया था। एज यू मेक प्रोग्रेस और पिक अप इंपॉर्टेंट आइटम्स, यू रिकवर सम लॉस्ट सैनिटी। ठीक है, हम लोग अभी सामने जा सकते हैं एक हिडन रूम में। यहाँ पर है एंट्रेंस हॉल, लेट्स गो। हम लोग अपने लैंडिंग को ऑफ कर देते हैं, इसका ऑयल बहुत जल्दी ड्रेन होता है। बस हमें यहाँ पर मेन स्टोरी पता चल गया, एक शैडो है जो कि हमें फॉलो कर रहा है। वो शैडो हमें पिरामिड के अंदर से मिला था। डैनियल गया था एक बार पिरामिड्स के अंदर। ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स बेसिकली दुनिया के हर जगह में चले जाते हैं रेड झंडा लेके, रेड ड्रेस पहन के, सॉरी। तो अभी हम लोग जाने के लिए रेडी है सामने। वैसे हमें एक श्राप मिला था, जिस श्राप से बचने के लिए हम लोग पर्सिया आए थे, पर यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। हम लोगों को एमनीसिया का एक डोज लेना पड़ा, जिससे हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं। ऑल राइट, हम लोग अभी एक अलग से जगह में आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं, मुझे जितना याद है। Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. All right, ये है एक शैडो जो कि हमें फॉलो कर रहा था। ये शैडो दिखने में ऐसा नहीं, पर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये है एक, इट इज़ टफ एंड प्लेन। ये है एक ऐसा हाइडस टाइप का चीज़ जो कि हमें फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। इसका कोई फॉर्म नहीं है, ये बस हमें मारना चाहता है। ये पूरा इजिप्ट से आई गेस पूरा पर्सिया तक आ गया, रिफाइनरी तक। ये जो कैसल हिल रहा था इस शैडो की वजह से, ये शैडो इस धीरे धीरे कैसल को तबाह कर रहा है। हम लोग क्यों इस कैसल में आए हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसे मैंने बता दिया, पर डीपली मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इस। तो ये पर चलते हैं। सबसे पहले हमारा सैनिटी डिक्रीज होगा, पर आई डोंट केयर, लेट्स सी। ये पर एक टॉर्चर, मतलब मिडिवल एज में टॉर्चर होता था, आपको पता होगा। तो हम यहाँ पर ही जाना पड़ेगा सबसे पहले लेबोरेटरी।
मुझे कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा, मुझे पता है शायद क्या होने वाला है इस जगह में। एक सेकंड, इस जगह में कोई मॉन्स्टर था? हाँ आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर, बट अगर होता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ के मॉन्स्टर जो है बहुत डेंजरस होते हैं एक्चुअली, एक ट्रू फीलिंग आता है मॉन्स्टर से, मॉन्स्टर जैसा, नॉट ग्रैनी। यह पर टॉर्चर्ड विक्टिम के सोल्स अभी भी गूंज रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया था यह पर, इसलिए हम लोगों को एमनीसिया का डोज लेना पड़ा। मैं एंट्रेंस सॉल्व का काम बाद में करूंगा, मेरा 20 मिनट्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है आई गेस, सो लेट्स सी ऑपोजिट साइड में क्या था। मैंने सोचा था 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे, पर ठीक है इन लोगों को 20 मिनट देखना है, बट क्या कर सकते हैं। मेरे सामने एक और रूम था आई गेस, आई रिमेम्बर, यस वाइन सिलर, यस। यहाँ पर मुझे याद है क्या करना पड़ेगा, ठीक से याद नहीं पर आई रिमेम्बर यहाँ पर कुछ हुआ था। लेट्स सी, इट्स लॉक्ड एंड विल नॉट ओपन विदाउट ए की। ओके, हमें की लेना पड़ेगा जो कि हमें मिलेगा उस साइड से, रिफाइनरी या जो भी था इससे का नाम लेबोरेटरी। यहाँ पर हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेट्स सी हम लोग कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये बेसिकली एक रिविजिट है आई गेस कह सकते हो, पता नहीं कौन एमनीसिया को रिविजिट करता है, मैं कर रहा हूँ। और ये एक्सपीरियंस अभी तक तो सो फार सो गुड एक्चुअली। इस गेम का डीएलसी जस्टिन वो भी फ्री है, ये कैसे इन लोगों ने किया पता नहीं, कितने घंटों का मेहनत लगा है इस गेम को दोबारा फ्री बनाने में, पर ठीक है इन लोगों को उस मेहनत का कोई फल नहीं मिला। पता नहीं कितने लोगों ने डोनेशन दिया होगा 50,000 लोगों में से। ये देखो इससे हमारा सैनिटी डिक्रीज होता है, पर हम लोग जैसे कि लाइट में खड़े हैं इसलिए सैनिटी थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा। हमारा सैनिटी अभी क्या है, स्लाइट हेडेक, हम लोगों ने एक पजल को सॉल्व किया था इसलिए थोड़ा सा इंक्रीज हो गया हमारा सैनिटी। अब हमें जो है और पजल्स को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस जगह से निकल सके। इस ब्रिज को हम लोग बाद में काम पे लगा सकते हैं, इस प्लैंक को बेसिकली, ब्रिज नहीं। ऑलराइट, यहाँ पर और देखने के लिए कुछ है खास? ऑफ कोर्स है, इस नीचे जाना पड़ेगा हमें, हम लोग टिंडर बॉक्सेस का बाद में यूज़ करेंगे। नीचे देखो, नीचे भी कुछ है मॉन्स्टर्स है नीचे, जिनको हम लोग बाद में देखेंगे। इनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा वाटर मॉन्स्टर के साथ। बुक्स सही है पर बहुत सारी है, पर हमें बुक्स नहीं पढ़ना। आई वंडर 18th सेंचुरी में कैसे बुक्स थे, मैजिकल स्पेल बुक्स आई गेस। देयर शुड बी मोर कूप राइट्स। ये हमारा एक विजन है, ओल्ड विजन। एंड वन पार्ट एक्वा फोर्टिस। ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पर ये क्या लेटर है। अच्छा तो यहाँ पर लिखा है कैसे हम लोगों को उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आई नो दिस, तो मैं नहीं पढ़ के टाइम वेस्ट करूँगा, पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एक्चुअली। लेट्स सी अब हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं। नीचे हमें नहीं जाना, नीचे एक क्रीचर है जो कि हमारा वेट कर रहा है, हम लोग जाएंगे इसके पास अभी नहीं, और इसके पास से निकलना एक्चुअली मुश्किल था। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऑयल मिल चुका है एंड एक, दिस इज माई थर्ड अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल वीटे। ऑलराइट, मैं शायद पढ़ने से टाइम को वेस्ट करूँगा, एक्चुअली मुझे पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो लेटर्स होंगे मैं उन्हें पढ़ूंगा एक्चुअली। ये पर एक फर्नेस है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये कैसल हिल रहा है क्योंकि वो शैडो ग्रो कर रहा है, वो शैडो एक म्यूटेंट टाइप का कुछ है, मतलब एक रेडिसनेस सिविल में जैसा होता था एक फॉर्म टाइप का है, डिमोनिक फॉर्म जिसे कह सकते हैं, एक म्यूटेंट। क्या कह रहे हैं मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा एक्चुअली, पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यू ऑल रेडिसनेस सिविल फैंस, इसमें अच्छे खासे पजल्स है एक्चुअली। समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं और समझना इतना भी आसान नहीं, एक परफेक्ट बैलेंस्ड पजल जिसे कहते हैं। मुझे शायद नीचे ही कहीं पर जाना था आई गेस, लेट्स गो। और ये गेम इतना लैग ही नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए लैग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं यहाँ पर कुछ मिस कर रहा हूँ आई नो, बट देखते क्या मिस कर रहा हूँ मैं इस जगह से। बहुत सारे बॉटल्स भी होते हैं जो कि हमें चाहिए। या बट ये रहा एक और ऑयल का ऑयल, तो हम लोगों ने इस ऑयल को लास्ट टाइम मिस किया था। ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लैंटर्न को चलाए रखेगा। लैंडिंग से हमारा सैनिटी ठीक रहता है इस गेम में, कोई भी मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है। मुझे एक्चुअली जानना ही है पेनिनबर्ग कैसल एक्चुअली है या नहीं, अगर होता है तो हम लोग फ्यूचर में कभी जाएंगे एक्चुअली। रियली मैं मजाक नहीं कर रहा, आई थिंक ये नहीं है, ये एक बस ये एक हमारा, एक सेकेंड मैं नीचे कुछ मिस कर रहा हूँ। ऑफकोर्स सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक टिशू इज ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ रिफाइनरी, इट कांट बी डिसॉल्व। तो इस ऑर्गेनिक टिशू को हटाने के लिए हमें एक केमिकल चाहिए, उस केमिकल को बनाने के लिए हमें इस लेबोरेटरी में काम है, पर इसके अंदर हम लोग अभी जा नहीं सकते, तो इस जगह से हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। आई थिंक ये पर हमें कुछ नहीं आना था, हमें एंट्रेंस हॉल से ऊपर जाना था। हाँ मुझे याद आ गया, ऑल तो हम लोग 20 मिनट से ज़्यादा खेल रहे हैं, लोडिंग टाइम और ये पढ़ने के टाइम को इन लोगों ने शायद माइनस किया, जो बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। 20 मिनट को थोड़ा सा हम लोग और इन्जॉय कर सकेंगे।
लेट्स सी। अब हम लोग जाने के लिए तैयार है ऊपर जहाँ से हम लोग आए थे। नीचे से एक लड़की के चिल्लाने का साउंड आ रहा था, इसलिए हम लोग नीचे गए थे, पर नीचे कुछ था नहीं। एक्चुअली एक लेबोरेटरी था, पर वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं। वहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो कि हमें ऊपर मिलेंगे। लेट्स गो। हम लोग और भी डीप तक जा रहे हैं। ये क्या है? आर्काइव्स। हम लोग आर्काइव्स के अंदर जा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या मिलता है। अगर एंड्रॉयड में देखा जाए तो एक गेम के 10 कॉपीज बनते हैं। अच्छा, ओ माय गॉड, ये जगह कुछ खास नहीं है मुझे जितना याद है। मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं आना था। क्या मैं जल्दी प्रोग्रेस कर रहा हूँ या फिर मैं गलत जगह पे जा रहा हूँ? इस जगह में तो हमें बाद में आना था। व्हाट द हेल, यहाँ पर एक लेटर भी है। लेट्स सी, अगर ये नहीं पता तो मैं पढ़ने वाला हूँ। मैं इस गेम की स्टोरी को डिटेल से जानना चाहता हूँ। We uncovered a passage beneath the dunes, leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought, and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London. And the British Museum. ये ब्रिटिश लोग इसलिए मरते हैं। ये लोग एक टूम को अनलॉक करने गए थे, जिससे इनको एक श्राप लग गया, जो श्राप अभी भी इसे फॉलो कर रहा है। हम लोग इस गेम के श्राप को तोड़ के निकल पाएंगे या नहीं, ये गेम के स्टोरी के एंड में पता चलेगा। बहुत सारे गेम्स में गुड एंडिंग नहीं मिलता, बैड एंडिंग मिलता है, तो इसलिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इस गेम में क्या एंडिंग है आपको पता चल जाएगा। ये पर बस हमें साउंड्स आ रहे हैं, जिससे हम लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं। एक्चुअली यह पर कोई होना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये कैसल बहुत पुराना है और यह पर टॉर्चर के लिए यूज़ होता था ये जगह, तो यह पर कोई होना नहीं चाहिए इस टाइम में। ये शायद 1600 सदी में बना था, अभी 1800 सदी है और तब से लोग टॉर्चर हुए जा रहे हैं इस कैसल में। हम लोग आए थे अपने काम के लिए, हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया था, इसलिए हम लोगों ने एमनीसिया का डोज ले लिया था। मैंने इस गेम के पूरे स्टोरी को एक्सप्लेन कर लिया। देयर इज़ नो ऑयल, तो हमें ऑयल फिल करना पड़ेगा। कितना जल्दी ख़त्म हो गया देखो, एक ऑयल के कैन से या जार से हम लोग आधा ऑयल भी नहीं भर सकते। ऑल राइट, ऐसे हम लोगों को खेलना पड़ेगा। लेट्स सी सामने क्या है। बहुत बड़े बड़े से कॉकरोचेस या कीड़े आई गेस। ये दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। अगर कोई चीज़ हमारे सामने दिखता है तो वो ब्रिटिश म्यूजियम का आइटम नहीं है, इसे इन लोगों को समझना चाहिए। अगर समझ जाते तो गेम ऐसा नहीं बनता। तो ओ माय गॉड, सामने का जो दरवाज़ा है वो कोलैप्स कर चुका है। आई गेस मैप्स में हमें जाना पड़ेगा देखने के लिए। हम लोग जहाँ से आए थे वो कोलैप्स कर चुका है, वो शैडो ग्रो कर रहा है एक्चुअली। इसके अंदर देखते हैं क्या है। मैप जो कि हमें नहीं चाहिए ऑफ कोर्स। लाइट को हम लोग ऑफ़ करते हैं, कुछ नहीं दिख रहा लाइट को ऑफ करने से। और मैप्स लाइट को ऑफ करते हम लोगों ने हेलुसिनेट करना शुरू कर दिया। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं जल्दी से मैप के रूम में। यहाँ पर हमें कुछ कार्टोग्राफी रूम एक्चुअली से कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं और एक लेटर। Our torches burned faintly in the murky air. ये लोग बता रहे हैं क्या हुआ था उस पैसेज के अंदर। As we slowly made our way underground, the men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. हाँ, ये था इसके डायरी का सेकेंड पेज। जो नेटिव लोग थे वो मना कर रहे थे अंदर जाने के लिए, पर ब्रिटिश लोग fuck off and go inside. ऐसे करके इन लोगों ने शायद उसे जाने के लिए मजबूर किया था, पर इवेंचुअली ये लोग ट्रैप्ड हो गए थे। लोकल्स का बात हमें मानना चाहिए जब हम लोग किसी गेम में या फिर किसी अलग जगह में आए होंगे। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा इस जगह से निकलने के लिए, आई डोंट नो एक्चुअली। और गेम बहुत ज़्यादा लैग ही बन चुका है अचानक से। यहाँ पर बहुत ट्रिकी पजल्स भी है। एक सेकेंड, शायद हम लोगों को इस जगह से निकलना पड़ेगा। फ्रेजाइल बट इट्स नॉट ब्रेकिंग माई हैंड। तो ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना पड़ेगा। हम लोग एक रॉक को लेंगे, लेने के बाद इसे हम लोग अपने साथ ले जाएंगे।
एंड देन हम लोग इसे थ्रो करेंगे यहाँ पर. एक सेकेंड, मुझे पता है कैसे थ्रो करना है. देखा, इन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया. एंड देन हमें इसे थ्रो करना पड़ेगा. अब हम लोग जो है इस जगह से जा सकते हैं. हमारा सैनिटी थोड़ा सा बढ़ चुका है, अब हम लोग इस जगह से जा सकेंगे बाहर कहीं पर. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. ये जो हमसे बात कर रहा है इसका नाम है अलेक्जेंडर ब्रेनिनबर्ग, जिसे हमें मारना था. आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेटर में, डैनियल ने खुद से कहा था. तो एक 18th सेंचुरी के ब्रिटिश गया था एक 14th सेंचुरी के टूम को एक्सप्लोर करने, जो कि बहुत नीचे अनएक्सप्लोर्ड जगह में था. इनके पास क्या नॉलेज था 18th सेंचुरी में एक टूम को देखने लायक? हमारे पास अभी इनफ नॉलेज नहीं है. एक ग्रुप के साथ ये लोग एक्सप्लोर करने गए थे, पर शायद सब लोग मर चुके हैं. सो गाइस, अभी हम लोग आज इस गेम को यहाँ पर ख़त्म करेंगे. आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया. पता नहीं 20 मिनट का गेम पे 30 मिनट का कैसे बन गया, बट नेवर माइंड. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. अगर आपको इस गेम के ऊपर और वीडियो देखना है तो आप कमेंट कर देना एक्चुअली. पर इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1000 गेम प्ले मौजूद है प्ले स्टोर में या फिर यूट्यूब में, सॉरी, जो भी है. अगर आप लोगों ने इन्जॉय किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना. हम लोग ऐसे गेम्स खेलते रहते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.